जी मैं लखनऊ और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी मेरा कार्य क्षेत्र है। अभी आया हूँ क्योंकि यहाँ पे भी हमारी टीम काम करती है और उनको मजबूती देने और यहाँ जो प्रॉब्लम्स है उनको शेयर करने, अगर रणनीति बनाने की यूपी में किस तरह से हमें सीएनपीआर एनआरसी खिलाफ आंदोलन। क्या आपको यहाँ पे हिरासत में लिया गया, रोका गया है बाहर निकलने से, ऐसा कुछ? देखिए बड़ी फोर्स तो लगा दी गई, अभी जानकारी नहीं है भैया। मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि नजरबंद किया गया, बाकी लखनऊ पुलिस है, आप लोग पूछ सकते हैं, वो बता देंगे। तो अभी तो देश में मेरी नागरिकता नहीं गई है कि मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। ऐसी जानकारी मिल रही कि घंटा घर जाने का आपका प्रोग्राम था जिसके चलते इस तरह का किया जा रहा है। तो घंटा घर तो इसी देश में है, वो लखनऊ में है, अब घंटा घर जाने से रोकने क्या मतलब। मैं तो प्रयास करूंगा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लेकिन कम से कम ऐसा तो ना किया जाए किसी की आजादी छीन ली जाए, फिर राइट्स कहाँ बचे, फिर लोकतंत्र कहाँ बचा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू कहाँ बचे। तो अगर अभी जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, मेरा प्रयास होगा कि उनके प्रयास जाऊँ और उनके दुख सुख को जो है बांट। दिल्ली में भी हिंसा हुई थी तो किस तरह उसको देखते हैं, जिस तरह से काफी लोगों की मौत भी हुई है? देखिए बड़ा दुखदाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रायोजित हिंसा थी, क्योंकि अगर दिल्ली में 3 दिन हिंसा चल रही है और गृह मंत्री जी वहीं बैठे हुए हैं तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। उनके पास ताकत है, वो 1 घंटे में रोक सकते हैं, लेकिन रोका नहीं गया। तो इसलिए मुझे दुख है क्योंकि दिल्ली में जो हुआ उससे पूरे देश का अमन और भाईचारा टूटा। हम प्रयास करेंगे, सभी लोगों से अपील करेंगे कि शांति बनाकर रखें, अपने एकता को ना टूटने, इंसानियत को जिंदा रखें। क्या पूरी उत्तर नहीं, कोई हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है और वो यहाँ आए थे, हमें उनके आगमन के विषय में जानकारी हुई थी, हम शांति व्यवस्था के दृष्टिगत यहाँ आए थे और हाउस अरेस्ट की बात या किसी तरह की ऐसी कोई बात पूर्णतया जो है असत्य है। क्या उन्हें कहीं जाने से रोका जाएगा? नहीं, कहीं उनका कहना है कि उनको नजरबंद किया गया है। जी नहीं, आप ऐसी कोई बात नहीं है सर। 1 घंटा घर अगर जाने की कोशिश करते हैं, उनका कहना भी 1 घंटा अगर आए क्या वहाँ पर जाने दिया जाएगा? हम जो भी अपना कदम उठाते हैं वो जनहित में शांति व्यवस्था की दृष्टि करते हैं, इनको कहीं जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया। क्या कार्यक्रम था इनका? आगे की क्या कार्रवाई रहेगी आप लोग की, आगे क्या करेंगे? बस ये आए हैं और शांति व्यवस्था की दृष्टि करते आप यहाँ रुके हैं, हम सिर्फ इनसे पूछने आए थे कि आप जो शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपनी जो चौकसी होती है उन्हें वही बरती है और इनको कहीं जाने से नहीं रोका गया है, ये पूर्णतः असत्य है।